हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर राहुल कुमार ने कई बार रिक्वेस्ट करके रेलवे में OBHS स्टाफ पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में OBHS स्टाफ क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इन्हें कितना पैसा मिलता है और इनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है। सारी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों, स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ रेल के लक्ष्य को साकार करने और यात्रा के दौरान यात्रियों को साफ सुथरी रेलवे की यात्रा का अनुभव कराने तथा यात्रा के दौरान साफ सफाई संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भारतीय रेल कुछ महत्वपूर्ण मेल, एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी, शताब्दी जैसी गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ की सुविधा प्रदान की है, जिसे कि रेलवे का OBHS स्टाफ बोला जाता है, जिसके द्वारा ट्रेन के आरक्षित कोचों में साफ सफाई का कार्य किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यात्रा के दौरान कोच में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं, लेकिन अगर किसी भी तरह से ऐसा हो जाता है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ट्रेन के OBHS स्टाफ को सूचित करें, जिससे वह आपके कोच की सफाई करेंगे। दोस्तों, रेलवे में OBHS स्टाफ की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है, जिसके लिए रेलवे किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और वही लोग इन स्टाफ की भर्ती करते हैं, जिसमें एक ट्रेन के लिए 8 से 10 हाउसकीपिंग स्टाफ का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक सुपरवाइजर होता है जिसके निर्देशों पर यह काम करते हैं। इनकी यात्रा की शुरुआत जहाँ से ट्रेन शुरू होती है वहीं से होती है, जिसमें यह प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ वॉशिंग पीट लाइन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और यहीं से इन्हें साफ सफाई में यूज होने वाले सारे इक्विपमेंट जैसे कि वाइपर, कपड़ा, डस्टर, केमिकल वगैरह इशू किया जाता है। दोस्तों, यहां पर यूज होने वाले सारे केमिकल वगैरह स्टैंडर्ड ब्रांड के द्वारा अप्रूव होते हैं। पूरे कोच की साफ सफाई जैसे कि गैंगवे एरिया, टॉयलेट, कोच, डस्टबिन के बाद यह OBHS स्टाफ सारे कोच के डस्ट बैग में काली पॉलिथीन लगाते हैं, टॉयलेट में हैंड वॉश भरते हैं, टिश्यू पेपर वगैरह फोल्डर में लगाते हैं, जैसे सारे काम इन्हीं का होता है। यात्रियों को किसी भी शिकायत के लिए रेलवे के द्वारा SMS सुविधा भी प्रदान की गई है, जिस पर SMS करके वह इन स्टाफ को अपने कोच में बुला सकते हैं। साफ सफाई के बाद सुपरवाइजर आपके द्वारा फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें यह मेंशन होता है कि यहाँ पर OBHS स्टाफ के द्वारा किस तरह की सफाई वगैरह की गई है। दोस्तों, OBHS स्टाफ के द्वारा कोच में सफाई करने की एक टाइमिंग बनाई गई है, जिसमें दिन भर में एक बार पूरे कोच की सफाई करनी है। यह सफाई कार्य रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं करनी है, जब तक कि कोई विशेष जरूरत ना हो। दोस्तों, इन OBHS स्टाफ की ज्वाइनिंग के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल रखी गई है और यात्रा के दौरान इनके एकोमेंडेशन के लिए ट्रेन के कोच में ही जगह दिया गया है, जिसके लिए पूरी ट्रेन में S1 और S2 कोच का लास्ट सीट इनके लिए आरक्षित रहता है। बात की जाए इनकी सैलरी की, तो इन्हें 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीना मिलता है, जो कि डिपेंड करता है इनके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। OBHS स्टाफ में ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट को उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उस ट्रेन के लिए मिला हुआ है। दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में आपने रेलवे के OBHS स्टाफ से जुड़ी बहुत सारी चीजों को जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।